बेतिया के नगर थाना में पहली जुलाई से बदली कानून व्यवस्था को लेकर कानून की पाठशाला लगाई गई। इसके लिए समाज के प्रबुद्ध जनों, पीड़ितों एवं अन्य आम जनों को नए आपराधिक कानून 2023 की जानकारी दी गई। SDPO सदर विवेक दीप ने बताया कि भारतीय संसद से पारित 3 नए आपराधिक कानून पहली जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। इसमें मानव अधिकारों व मूल्यों को केंद्र में रखा गया है। नए कानूनों में अब भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लिया गया है। इन कानूनों में दंड की जगह पर न्याय पर विशेष बल दिया गया है। न्याय पर केंद्रित तीनों नए आपराधिक कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरह से तैयार है। जिले के पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को नए कानूनों में हुए बदलावों से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। साथ ही आमजनों को भी वीडियोस, ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स व अन्य माध्यमों से नए कानूनों के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। देखिए, आज से पूरे देश में जो 3 नए आपराधिक कानून हैं वो लागू हो चुके हैं। जो पहले CRPC चल रहा था उसके बदले भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जो पहले IPC चल रहा था उसके बदले भारतीय न्याय संहिता, और जो पहले भारतीय एविडेंस एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके बदले भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से 1 जुलाई से लागू हो गया है। इसी को लेके आज हम लोगों के जो थाना के परिसर में जो भी हमारे थाना क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग हैं उन सबको यहाँ बुलाया गया था ताकि इस नए कानून के विषय में एक जागरूकता का हम लोग शिविर का आयोजन कर सकें। इस शिविर में लगभग सभी प्रबुद्ध लोग समाज के शामिल हुए और हमारी बातचीत हुई और हमने प्रयास किया कि एक जो प्रमुख बिंदु है, जो प्रमुख बदलाव है, उसको हम लोग रेखांकित कर सकें।